ओरछा में बीते दिनों मरीज के साथ हुई मारपीट को लेकर यथार्थ हॉस्पिटल के व्यवस्थापक नितिन चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकल गुंडों ने मरीज के परिजनों के साथ उत्पात मचाया था, जिसका वीडियो सामने आया था। उन्होंने आगे कहा कि उपद्रवी लोगों ने डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ भी मारपीट की थी। ये पूरा मामला निवाड़ी में स्थित यथार्थ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है और साथ ही नितिन चौधरी ने मारपीट की पूरी वजह बताई। उन्होंने बताया कि एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मरीज के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन इस तरह का नियम हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। इस दौरान वहां मौजूद कुछ उपद्रवी लोगों ने मरीज के परिजन को भड़का दिया और हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर के साथ मारपीट करने लगे, जिसके बचाव में सुरक्षाकर्मियों ने बल का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हमारे हॉस्पिटल में आए थे। अनफॉर्चुनेटली मरीज ने वक्त नहीं दिया और सरवाइव नहीं कर पाया, बॉडी हैंडओवर कर रहे थे। उसी टाइम पर 10 से 12 लोग अस्पताल के अंदर अचानक से घुसते हैं, हल्ला मचाते हैं और ये बोलते हैं कि इनको 10 से 12 हजार रुपये दिए जाएं इनको क्रियाकरण के लिए और इसका दबाव बनाते हैं। तो लोगों ने थप्पड़ मारा हमारे डॉक्टर को, हमारे नर्सिंग स्टाफ को जिसका वीडियो हमारे पास है, हमारे गार्ड्स को मारा और स्टूल बोतल जो उनके हाथ में था पिक कर मारने लगे और सामान को तोड़ने लगे। जब ये उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारे गार्ड्स को एक्शन में आना पड़ा और बल्ब का प्रयोग करते हुए इन लोगों को बाहर निकालना पड़ा।